ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ ਖਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਸਨਾਈ ਗੋਣੀ 114 ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ 114 ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਪਈ ਸਾਰੀ इस इलाके इस कलोनी एक भी लाइट नहीं जगती पई अंधेरे चोरियां होंदियां घर दे विच बंदे बंदे गिरदे पए ने एक पांच दिन की गल आ क्रेन दे नाल कार कढ़ी इहदे चों लोगों ने प्लाट लले ने तुसीं देखा घर भी डुब चुके होए ने फ्लो बाहर आंदा तुसीं देख रहे हो चारों पासे किहड़ा पानी है जो लोगों ने इत्थे प्लाट जरूर खरीदते ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो जरूर खरीदते ने ते इत्थे कहया जांदा 2 करोड़ रुपया किहड़ा इत्थे लग चुका तुसीं देख रहे हो 2 करोड़ का जो हल है जो असीं नगर निगम के अफसर संबंधित कमिश्नर साहब के नाल गलबात की गई है ये तो अगे छड्डो अगे एक छड़ के 6-6 छप्पड़ हो गए जी कितने एक छप्पड़ हुंदा सीगा एक टाइम 3 दिन लगातार कारपोरेशन ने इत्थे काम किया पर उहदा रिजल्ट नील गल की है प्रोमा ट्रस्ट ने लोगों ने तो प्रोमा ट्रस्ट को पैसे का प्लाट लिता गया तो कदों इत्थे प्लाट बनाने शुरू किए मैं देखे एक घर तो उद्दे ही चारों पासे पानी नहीं डुबिया पाया वो तो सिर्फ उन्होंने साइडा से सपोर्ट की है तो घर बचा पाया क्यों नहीं है प्रोमा ट्रस्ट क्यों नहीं है कि तुम भी इतने के पार्षद हो तो तुम भी इतने के मुद्दे तो चकते रहे क्यों नहीं काम होते रहे क्यों नहीं इन्ने साल हो गए 11वें महीने का काम है 1 साल के करीब होर चला हुआ तो काम क्यों नहीं इसका कंप्लीट किया गया क्यों पहले काम शुरू कराया जाता फिर वही विधायक उन्होंने वालों काम का कारण सीगा ना जी जेडे उत्थे दे रह असी सारा उत्थे देख रहे हैं लोगों के घर डुब गए असी इधर चलते इधरले पासे आए भी आखिर मुश्किल है कितने जो इतने आए हैं तो 2-3-4 कोठियां वाले सा दादागिरी कर रहे कहते बना के दिखाओ कि बनाने ये कोई जवाब थोड़ी है असी तो लोगों के हकों वास्ते लड़ते इतने का जोड़ा मौजूदा कौंसलर है पति वो भी उन्होंने हमायत कर रहा ये 3-4 बंदे का गैंग है ये देखो तुम अपन कोठियां के बाहर तो नजायज इन्होंने स्पीड ब्रेकर भी लाते भी हुई तो भी थोड़ा गर्म हो मैनू मैनू अगला ये कह रहा कि तुम बना के दिखाओ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇਗਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ कोठियां चलो जो कुछ है ही है घर घर बीमार बीमारियां सारा इलाका सारा गंदा पानी पींदा पिया पानी सारे को जा चुके कारपोरेशन को जा चुके इंप्रूवमेंट को जा चुके हैं कोई सुनाई नहीं होंदी भाई कोई सुनाई नहीं होंदी इस बारे हुण प्लाटां दे उत्ते पलंटियां लै आंदे आ खर्चे पाई जांदे पे आ सुनाई कोई 114 लाइटां पईआं 114 लाइटां एक लाइट भी नहीं जगदी पई सारी इस इलाके इस कलोनी च एक भी लाइट नहीं जगदी पई अंधेरे च चोरियां होंदियां घर दे विच बंदे बंदे गिरदे पए ने एक 5 दिन की गल आ क्रेन दे नाल कार कढ़ी इहदे चों इत्थे नगर निगम दे अफसर सबान आए थे पहले नगर निगम दे अफसर सबान आए थे पहले ओ सर सानू तो पता नहीं कौन दे फोटो खंजा खंजा के थक गए अहीं तां हुण तां सानू मुंडे कहंदे आओ जी अहीं तां आ गए भी थक गए आ मेरी गल सफलो करदे नहीं तुसीं मतलब असि देख रहे हो तस्वीर लोगों दियां मुश्किलां सुनदे पे ने लोग कह रहे ने अज तक लारे ही मिलते रहे ने लारे मिले जी अज तक लारे ही घर घर बीमारी पई आ जाओ मैं दिखावा तुहानू चलो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਬਾਨ ਰਮਨ ਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਰੋੜਾ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 3-4 ਦਿਨ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ
और जिदा जिद कित भी नुक्स होगा उन्होंने जल्द तो जल्द ठीक करा। रमन जी देखा जाता है उन्होंने कहना बड़े रोष है, हाँ भी नगर निगम के अफसर भी आए ने, हर डिपार्टमेंट आया, कोई हल नहीं हो। देखो ये चीज़ असी मंत्री साहब की नॉलेज भी लिया और मंत्री साहब ने स्पेशल क्या भी ये पहल के आधार से ठीक करावे। तुम देखा है वा जो पानी फार उड़ता है तो उदो सीवरेज बह जाते हैं, सीवरेज की कई सड़क भी बह गई, कई सट्टा लोगों के सट्टा भी लगे, कार भी। थोड़ा जा वेट करो, मैं तुम्हें दसिया वा अज कमिश्नर साहब आए हैं, सारा वेट करो सारा बैठ के डिस्कस करके तो बहुत जल्दी काम करेंगे। कई घर भी डुब गए, तुम देख रहे हो खाली प्लाटा दे, खाली प्लाट किन्ना दे, वो भी डुब चुके ने, तुम देख रहे हो चारों पासे पानी हो। सब कुछ देखा आप यह हल कढ़ांगे, तुम चिंता नहीं। देख रहे हो तस्वीरों के विच असीं इस बारे नगर निगम के कमिश्नर साहब ना भी गल। कमिश्नर साहब कि अज तुम लोगों की मुश्किल सुनने लिए आए हो जी? मैं दसा कि यह सीवर की जड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिहड़ा मौके ते असी आया उन्होंने उन्हों असी देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया जी। बट ये जड़िया टैक्नीकलिटीज़ ने यह तो साढ़े जोड़े टैक्नीकल परसन ने सीवरेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर उन्होंने कल रिक्वेस्ट की है, कल सवेरे 11 बजे आने वो आके वो परसनली देखेंगे कि इतने जोड़ा सीवर का ओवरफ्लो हो रहा हवा वह कारण की हैगा जी। ठीक है ना, कोई सीवरेज लाइन डैमेज हुई है या कोई होर जिहड़ा इशू हैगा? मैनू पता लग्या कि कारपोरेशन दी सीवर लाइन जिहड़ी आ रही है जदों कि जिहड़ा पानी भर रहा हैगा ओवरफ्लो हो रहा वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी दे विच हो रहा। यह सारिया चीज़ा जड़िया है कितना कितने इंटरलिंक्ड हो गई। ट्रस्ट भी नगर निगम के ही आता है, लोगों ने प्लाट लले ने, तुम देखो घर भी डुब चुके हुए ने, प्लाट भी डुब चुके। इस करके मैं कह रहा कि जी एक्सपर्ट एजेंसी है सीवरेज बोर्ड की जी कि ले डाउन करती है सीवर लाइन जी, ठीक है ना, वो कल जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से सीवरेज बोर्ड के उन्होंने मैं परसनल रिक्वेस्ट की चंडीगढ़ कि जी सीवरेज बोर्ड दियाँ काफ़ी सीरीयस प्रॉब्लम्स है ने, क्योंकि लोकल बॉडी मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने भी उन्होंने ध्यान भी लिया गई सी। सो एक दिन के कल आना उन्होंने 11 बजे सीवरेज बोर्ड इतने अफसर समान कि ढिल पाई की उन्होंने कार्रवाई की जाएगी? पक्का करा जी, पक्का कर। तुम देख रहे हो लोग अफसर समाना के नाल गलबात की जा रही है, देख रहे हो जो लोग है उन्होंने गुस्सा तो जाया जाएगा। पिछले कई साल तो केड़ा काम इत्थे रुकिया पिया वा, जो इत्थे सीवरेज का फ्लो बाहर आंदा तुम देख रहे हो चारों पासे केड़ा पानी है, जो लोगों ने इत्थे प्लाट जरूर खरीदे ने, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो जरूर खरीदे ने, तो इत्थे कहा जाता 2 करोड़ रुपया केड़ा इत्थे लग चुका, तुम देख रहे हो 2 करोड़ का जो हल है। कदों असी नगर निगम के अफसर साहब ने कमिश्नर साहब के नाल गलबात की गई है जिस दे विच उन्हां दा कहना है जो है इसते जो भी अफसरां दी अंकेली पाई जाएगी उस ते कार्रवाई की जाएगी। मौके ते साडे जो कौंसलर है विवेक खन्ना जी आपां उन्हां गलबात करदे हां, कई बार तुसीं इत्थे इशू चक्के ने, फिर अज जलंधर सेंटर दे आम आदमी पार्टी दे रमन अरोड़ा जी इत्थे पहुंचे, की लगता है मुश्किल हल हो जाणगीआं? देखो प्रयास होना चाहिए और करन वाले जो काम करना है उदों इफ बट नहीं होनी चाहिए। 2011 के जोड़े पोजैशन है वो इतने होए हुए है, 2011 के लोगों ने पैसे जमा कराए है, अज इतने दसिया नहीं जा सकता कि प्लाट कित्थे है, सड़क कित्थे है, खाली प्लाट कित्थे है। इतने घट तो घट नहीं 8 फुट डीप 9 फुट डीप थले जमीन है और एक्टिवा तो बंदा आवे नेरे च पता ना लगे बंदा कित्थे है। हाँ जी बहुत पोजिशन हाल है, ये तो अगे छड़ो अगे एक छड़ के छे छप्पड़ हो गए जी, कितने एक छप्पड़ हुंदा सीगा। एक टाइम 3 दिन लगातार कारपोरेशन ने इत्थे काम किया पर उदा रिजल्ट निल। की गल की है प्रूमा ट्रस्ट ने लोगों ने तो प्रूमा ट्रस्ट को पैसे का प्लाट लिता गया तो कदों इतने प्लाट बनाने शुरू किए? मैं देखे एक घर तो उदा ही चारों पासे पानी नहीं डुबिया पाया, वो तो सिर्फ उन्होंने साइडा से सपोर्ट की है तो घर बचा पाया, क्यों नहीं है प्रूमा ट्रस्ट क्यों नहीं है कि तुम इतने के पार्षद हो तो तुम भी इतने के मुद्दे तो चकते रहे, क्यों नहीं काम होंगे रहे? मैं थोड़े माध्यम नाल सारे कहना चाहना, देखो गल इदा वै कि काम शुरू होया सी, ये सीवर लाइन का काम शुरू होया सी, ज्वाइन भी किया उत्थे, इन्होंने हौदियाँ बना के बाईपास करन दी भी कोशिश की, पर अज पिछों इन्ना जबरदस्त पानी का फ्लो है कि जिन्ना फ्लो जनरेट होंदा उन्ना अगे निकलता नहीं है।
ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1,88,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਔਰ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੋਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਤਾਂ ਬਣਿਆ 170 ਏਕੜ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੀਵਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜੇ 60% ਬਣਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 100% ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ, 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 14-16-18 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ 11 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਣੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ? ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਵੀ ਆਖਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 2-3-4 ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਲਾ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਗ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ। ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇਗਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲਗਾਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੱਢਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਪ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ
चंगे काम करे सदा जितेगा, उन्हें माड़े काम किए लोगों ने फतवा देता उधरले पासों रात वो खुंदर क्ढन वास्ते इन्होंने लोगों परेशान करने वास्ते सारी साजिश रच रहा। इतने का जोड़ा कौंसलर पति है उन्होंने तीन चार परिवार नजायज़ रल के इन्होंने बेचार धक्का कर रहा, असी धक्का नहीं होंगे ना। सानू उन्हें जिस तरह ये लफ्ज़ कहे भी तुम बना के दिखाओ किदा बनाने, देखो जे तो सरकारी लॉ के हिसाब ने कानून के मुताबिक सड़क इतों जाती सही है तो असं उन्होंने करके भी दिखावे, ये तो असं वादा करके। उन्होंने कहना कि तो पहले कड़े एम एल ए से उन्होंने वालों काम स्टार्ट भी किया गया से उन्होंने वालों काम रोक गया। मैं थोड़ा दस्या सुनो मैं दस्या जी ये पहला मानयोग जोड़े एम एल ए से उन्हें काम शुरू कराता से दरम्यान इन्होंने इतने जगह लैके बनाना शुरू करता उस करके इन्होंने काम रुकाता भी उन्होंने जगह ले ली तो बाकियों को मार दो, ऐसा नहीं करना। हूँ काम शुरू हो जाएगा, देखो कमिश्नर साहब मेरे नाल है जो भी यदा कानून पक्ष होगा असं जरूर करांगे, जे कानून का बनना होगा तो जरूर बनावांगे जी। कि कमिश्नर साहब तुम भी मौके पर भी बहसो बहस महारणजीत सिंह एवन्यू तो सुरन क्लेब के वर्क बच्चे परिवारों की बहसो बहस हुई है वो तो हूँ विश्वासन की दिता दोनों परिवार दोनों। देखो जी गल हैगी कि जिहड़ा एस डी ओ साहब ने अपन सारा एक्सप्लेन किया कि सीवर जिहड़ा सीवर की लाइन का जिहड़ा लेआउट प्लैन की हैगा ठीक है ना, उत्थे वो जाके इंटरप्शन हुई आ कुछ जिहड़े उत्थे रेजिडेंट सी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि जी इत्थे सीवर लाइन पैण दे नाल उन्हां दा जिहड़ा हाउस और डैमेज हो जाएगा ठीक है ना जी। इहदे विच जिहड़ा सरकार वल्लों डिसीजन लिया गया हैगा ते जिहड़े साडे टैक्नीकल ऑफिसर्स ने दे कैन जस्ट गो एंड सी कि इहदे नाल जिहड़ी हैगी आ सीवर लाइन दे नाल कि वह घर डैमेज हो जाएगा जां उस ते किसी तरह का कोई इफेक्ट आएगा, दे विल अकॉर्डिंगली वर्कआउट अ प्लैन। कि सर सरकारी सड़क है सीवरेज वाटर सप्लाई के वर्करा वालों पहले चैक किया जाता हाँ भी इतने पाइपा पैनिया कोई घर डैमेज नहीं होएगा, उस तो बाद ही प्लैन बनया जाता उस तो बाद ही टेंडर पास किए जाते हैं उस तो बाद फिर पाइपा भी पै जाएँ फिर उस तो बाद काम भी रोकया जाता जो पहले एम एल ए से उन्होंने वालों काम स्टार्ट भी किया गया फिर एम एल ए साहब वालों काम रोकया गया, फिर कारण की है कितने ढिल वरती जा रही है? ढिल तो देखो साढ़े नोटिस के होना ही आ गल इस करके विजिट किया है टैक्नीकल जी पोजिशन हैगी मुताबक कल चीफ इंजीनियर सीवरेज बोर्ड दे आ रहे हैं 11 बजे उन्होंने बुलाया है तो उन्होंने नाल बैठ के सिटिंग कर लाँगे, जो कोई जोड़े रेजिडेंट्स ने उन्हों का भी कोई ऑब्जेक्शन हैगा वो भी सुन लेंगे वो की है। हूँ काम स्टार्ट हो जाएगा कल तो बाद काम उन्होंने सुनने तो बाद काम स्टार्ट होएगा जो हाल भी डेफिनेटली जी इस चीज़ को अंडरसटैंड तो करना पड़ेगा कि यदि फिजीबिलिटी प्लैन की हैगी टेक्निकल इशूज की है ने जो बेस्ट पॉसीबल हैगा तो वो असी करांगे जी कानून के मुताबिक। थैंक यू सर। सुरेंद्र क्लेब दे अग्रवाल साहब आप गलबात करते हैं, अग्रवाल साहब की लगता की है महाराजा रणजीत सिंह ते सुरेंद्र क्लेब दे परिवार वालों आपस टकराव होंदा वा उस तो बाद फिर एम एल ए साहब वालों गुस्सा दिखाया जाता मोल शांत कराया जाता है? बेसिकली की है कि पिछले 4 साल तो यह सीवरेज की प्रॉब्लम महाराजा रणजीत सिंह एवन्यू के आई हुई है तो पिछले जिहड़े अपने एम एल ए रहे हैगे है असी उन्होंने कई बार गल की है कि इसका सोल्यूशन कढ़िया जाए तो उन्होंने इहदा एक अल्टरनेट नवी सीवरेज लाइन जिहड़ी हैगी है वो पास कराई जिहड़ी कि उस सूर्य इनक्लेव के विचों एक पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक आती हैगी है। इहदे विच आने नाल जिहड़े मकान बने जद इन्होंने खोदना शुरू किया तो उहदी इन्नी गहराई हो गई कि इन्हां दी नीवां जी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उस तो बाद मीटिंग हुई असी इन्हां नूं अल्टरनेटिव रस्ते जिहड़े हैगे है सीवरेज बोर्ड नूं भी तो कारपोरेशन सीवरेज के भी बंदयां नूं दसे तो इन्होंने क्या उसकी वायबिलिटी करनी है तो उस तो बाद इन्होंने 4 महीने लगाते उसकी कि देखने कि वो वायबल है कि नहीं है। अज यह निष्कर्ष से पहुंचे है कि उत्तों सीवरेज पाना वायबल नहीं है, जो उत्तों सीवरेज पाना वायबल नहीं है तो इन्होंने सानू कहा कि अज असी इतने सीवरेज का काम देखने आ रहे तुम आओ तो एज ए कि मैं इतने का नुमाइंदा होने करके सारे लोगों नाल प्यार उन्होंने मैनू सद्या तो मैं भी आया तो आके जब मैं देखा इतने आपस के महाराजा सिंह एवन्यू तो इतने के लोगों की टकराव हो रहा है। कारण की टकराव सिर्फ सीवरेज का सरकारी सड़क है तो ही भी मनते हो तो ही भी सरकारी दिहाड़े च रह चुके हो तो तुहानू नहीं लगता सरकारी काम नूं रोकण लई इसका? देखो सरकारी काम नूं रोकण का किसी का कोई मंतव नहीं है इतने हम हर कोई बंदा चाहे छोटा है चाहे वड्डा है उन्हें होंगे कि मैं मकान बनाया मेरे मकान में कोई नुकसान ना हो वो भी बेचारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो 3-3.5 साल तो त्रासदी भोग रहे हैं सीवरेज के गंदे पानी उन्होंने घर के आले दुआले छप्पड़ बने हुए है जी देखो जाके तुसी मेरे आप दे भी असी उत्थे कई लोगों के प्लॉट पे उन्होंने लोगों की प्लॉट की वैल्यू जीरो हो गई है क्योंकि उन्होंने प्लॉट के 5-5, 6-6 फुट पानी गंदा खड़ा है कि पानी गंदा खड़े होने नाल बीमारियां भी फैलती है डेंगू है गर्मी का उत्थे दा पानी पोल्यूटिड हो गया उत्थे दी बीमारी बहुत फैल गई है यह सीवरेज पैना बहुत जरूरी है
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਜਰ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। 200 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਬ ਦੇ ਕੁਛ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇਸ ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਰੋਕੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂੰ ਮਹਾਜਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ TV, ਜਲੰਧਰ। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।